भैया आप क्या कह रहे हो मेडिकल से क्या ले लेंगे सेक्शन तो भरे यार नीचे जो भी हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करा देंगे ये देख रहे हो सीन देखो यहाँ का पूरे बादलों में लगा लो पूरे बादलों में चल रहे हैं यार भाई तरह जाते हैं ऐसे व्यू देखने के लिए तो हाँ व्यू मस्त है लेकिन भाई उतना खतरनाक भी है देखो पूरे वहाँ तक लाइन लगी हुई है ये अपनी गाड़ी खड़ी है भोले बाबा का झंडा लगा रखा है भाई ये देखो ये ना अभी बस के आगे गिरा है ये जस्ट अभी गिरा है ये थोड़ी वो तो भाई शुक्र है बस को कुछ नहीं हुआ साइड में पत्थरों ने रोक लिया देखो देख रहे हो ये अभी अभी गिरा है जाम लग रहा है हमारी गाड़ी यहाँ से मान लो तकरीबन अभी आधा किलोमीटर दूर होगी हमारी गाड़ी 500 मीटर हमारे दूर है एक पहाड़ तो देखो अभी यहाँ खिसकने वाला है इसलिए पहले यहाँ पे गाड़ी कर दिया और आगे आगे तीन और आगे तीन पहाड़ एक साथ खिसके हुए इसी चक्कर से यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक दिया अब बोल रहे हैं अभी टाइम कितना हो रहा है अभी तकरीबन 12-1 बज रहा होगा 2 बजे 12:30 और 7 बजे खुलेगा शाम तक यहीं पे हम फंसे हुए हैं बाकी जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको अपडेट देते रहेंगे और बारिश इतनी हो रही है ना मैं तो ये बोलूँगा अभी ना केदारनाथ वाले रूट पे अवॉइड करो अभी मत आओ क्योंकि रिस्क बहुत है पीछे से भी हम होते हुए हैं चारों तरफ लैंड स्लाइड होती है ये चारों तरफ बहुत डेंजर रूट है तो अभी अवॉइड करो यार आना मत आओ अभी ये पीछे तक लगी हुई है लाइन पूरी है ये देखो बादल देखो भाई बादलों में खड़े हैं अभी हम लगा लो बिल्कुल ही तो पता नहीं कितने बजे खुले कितने बजे ना खुले 7 बजे वो भी बोल रहे हैं 7 बजे पक्का पता नहीं है कि खुलेगा कि नहीं तो देख लो बाइक सही है भाई लेकिन बाइक जाएंगे कहाँ से ये लोग भी लौट लौट के आ रहे हैं वापस ये देख रहे हो सीन देखो यहाँ का पूरे बादलों में लगा लो पूरे बादलों में चल रहे हैं यार भाई तरह जाते हैं ऐसे व्यू देखने के लिए तो हाँ व्यू मस्त है लेकिन भाई उतना खतरनाक भी है देखो पूरे वहाँ तक लाइन लगी हुई है ये अपनी गाड़ी खड़ी है भोले बाबा का झंडा लगा रखा है बचा करके भाई आधा घंटे तो झंडा सेट करने में लगा था हमें जब आ रहे थे देखो भाई ये पूरे पूरे क्लाउड ही क्लाउड है यहाँ पे देख रहे हो पूरे में क्लाउड क्लाउड और ये अपना नीचे से नदी जा रही है तो मेरे जो आगे देवप्रयाग में जाके मिलती है और दो नदी मिलती है जो है ना अजीत
ये हमारे भैया और ये हमारे नौटंकी भाई साहब। तो भाई ऐसे अपडेट करते रहेंगे अपने भाइयों को। बस गाड़ियाँ देखो भाई, अगर आपको दिख रही होगी ना गाड़ियाँ, चीटी बराबर गाड़ियाँ तो शायद हाँ दिखाई तो दे रही है बस, तो कितनी छोटी सी नज़र आ रही है, बिल्कुल छोटी सी। खतरनाक मामला भाई यहाँ पे आने, देख रहे हो भाई 3-4 घंटे से फंसे हुए थे यहाँ पे भाई, बहुत डेंजर मामला है। खड़ी पत्थर है, पत्थर ही पत्थर गिर रहा है भाई। भाई देख रहे हो भाई कितना मस्त है यार, नीचे उतर के पूरा दिखाना। आगे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा, बर्फ है पूरी आगे, बर्फ के माउंटेन है और यहाँ हरे भरे, तो उतर के दिखाता हूँ पूरी। बहुत बुरा हाल है भाई, देख रहे हो इससे पीछे तो और भी थे, इससे बड़े बड़े गिरे। फोन नहीं दिया ना तूने, दिखाता भाई लोगों को कि भाई आना अभी कितना डेंजर है यहाँ पे भाई, 101% अवॉइड करो अभी आना। देखो ये पेड़ निकला हुआ भाई बिल्कुल ही, बचने के मारे कर रखा है ना। दरी काट लो भाई 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 भाई, बस बोले बाबा घर पहुंचा दो, जय भोले बाबा की। हर जगह लैंडस्लाइड है भाई, हर जगह देखो लोग भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप खुद। ओ भाई साहब ये देखो पर रोड ही तोड़ दिया इसने, तो लग रहा है ऐसा लग रहा है ना रोड तोड़ दिया। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यार,
भाई ये देखो, ये ना अभी बस के आगे गिरा है, ये जस्ट अभी गिरा है ये थोड़ी देर, तो भाई शुक्र है बस को कुछ नहीं हुआ, साइड में पत्थरों ने रोक लिया। देखो देख रहे हो ये अभी अभी गिरा है अभी। फिर से जाम लग गया पूरा पीछे। निकल रहे हैं बस धीरे धीरे, जल्दी जल्दी से निकल जाएं। तो भाई लोग अपन हरिद्वार में हो गए एंटर, जैसे कि दिख रहा होगा ठंडा मच रहा है यहाँ पे फुल, गाड़ी में भी बाहर भी। अब ठीक है भाई।